महंगाई कम करने की बजाय हुकूमत सरेंडर कर गई। पहले साल में एक बार कीमतें बढ़ी थी, अब रोज का मामूल बन गया। अशियाए खुरोनोश की नई कीमतों के सरकारी नोटिफिकेशन पर शहरियों का सख्त रद्द अमल। दुकानदारों की भी नए नेखनामे पर शदीद तनकीद। बोले, थोक में चीनी 78 रुपए मिल रही है, 75 रुपए में कैसे फरोख्त करें। इमरान खान क्या सी, मैं तबलीली लियावांगा, तबीली लियावांगा, चंगी तबीली लियांदी। हर शाम महंगाई कर रहा है, गरीब बंदे हैं जो सर खा रहे हैं, मेहनत करते पे हैं, मसा रोटी पूरी देते हैं, चार बच्चे हैं जी। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हुकूमत ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, 15 रुपये अब महंगी कर दी है, तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा। होशुरबा महंगाई पर हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। पंजाब हुकूमत का गरीब अफराद को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर गौर। सूबाई वजीर सनत नियाज अहमद इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वजीर आला ने 7 रोज में सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। सेहत के शोबे में हुकूमत की अदम दिलचस्पी। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत। ऑपरेशन थिएटर के लिए सर्जिकल सामान तक दस्तयाब नहीं। सर्जिकल ग्लव्स, धागे, ड्रिप सेट्स, मुख्तलिफ इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी। मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत नापैद। मियां नवाज शरीफ की सेहत को लाख खतरात नजरअंदाज। शहबाज शरीफ की मुजम्मत, कहते हैं मियां नवाज शरीफ के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार हुकूमत के इंतकाम और छोटेपन का वाज़े सबूत है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान और पंजाब हुकूमत मुजरिम होंगे। जबकि डॉक्टर अदनान का एक बार फिर पंजाब हुकूमत को खत, नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। लीगी रहनुमाओं के मुकदमात की समाप्त करने वाले जजेस को तब्दील करने का फैसला। शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम नवाज के मुकदमात की समाप्त करने वाले एहतसाब अदालत के जज नई मस्जिद की खिदमात हाईकोर्ट को वापस। राणा सनाउल्ला के खिलाफ मुनशियात केस की समाप्त करने वाले ड्रग कोर्ट के जज मसूद अरशद बागड़ी की खिदमात भी वापस। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट से तीनों खसूसी अदालतों के जजेस के लिए नाम मांग लिए। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात होंगे। महकमा दाखिला ने आईजी ऑफिस से फोर्सेज के दस्तों की डिमांड कर दी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी लगाने पर भी गौर। उधर वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह की जेर सदारत इजलास, मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। एमफिल और पीएसजी मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस जारी कर दिए। एमफिल मुलाजमीन को 5 जबकि पीएसजी मुलाजमीन को 10,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। फैसले का इतलाक सरकारी और नीम सरकारी इदारों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन पर होगा। 2 साल बीए बीकॉम प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री में तब्दील। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवां तालीमी साल एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सालाना बुनियादों पर होगा, जबकि आइंदा तालीमी साल से सेमेस्टर सिस्टम नाफिज होगा। एनसीए के एलुमिनाई के फन पारों की नुमाइश। नामवर मुसव्विरों और साजा के फन पारे रखे गए। तारीख, सकाफत, समाज और इंसानी जज्बात को कैनवस पर उतारा गया। तलबा तालिबात खुसूसी मधु किया गया। इंसान दोस्त मछली डॉल्फिन का शानदार शो। बेगम गवर्नर परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। शो देखने मुतादी स्कूल, एनजीओज और मुख्तलिफ इदारों के बच्चे भी पहुंचे। शरारती डॉल्फिन के नित नए करतब देखकर बच्चे खूब महसूस हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की आज सालगिरह। साथ ही जजेस बुकला और अजीज अकारिब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नेक तमन्नाओं का इजहार। और कौमी हॉकी टीम की ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां जारी। तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। हेड कोच हाजा मोहम्मद जुनेद क्वालिफाई राउंड में टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद कहा। पाकिस्तान हॉकी मुश्किल दौर से गुजर रही है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। महंगाई कम करने की बजाय हुकूमत सरेंडर कर गई। पहले साल में एक बार कीमतें बढ़ी थी, अब रोज का मामूल बन गया। अशियाए खुरोनोश की नई कीमतों के सरकारी नोटिफिकेशन पर शहरियों का सख्त रद्द अमल। दुकानदारों की भी नए नेखनामे पर शदीद तनकीद। बोले, थोक में चीनी 78 रुपए मिल रही है, 75 रुपए में कैसे फरोख्त करें।
इमरान खान क्या सी, मैं तबलीली लियावांगा, तबलीली लियावांगा, चंगी तबलीली लियांदी। हर शाम महंगाई कर रहा है, गरीब बंदे जो सर खा रहे हैं, मेहनत करते पे हैं, मसा रोटी पूरी देते हैं, चार बच्चे हैं जी। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हुकूमत ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी 15 रुपये, अब महंगी कर दी है, तो आम आदमी कहाँ पे जाएगा। होशुरबा महंगाई पर हुकूमती जिम्मेदारों ने सर जोड़ लिए। पंजाब हुकूमत का गरीब अफराद को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर गौर। सूबाई वजीर सनत निया असलम इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वजीर आला ने 7 रोज में सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। सेहत के शोबे में हुकूमत की अदम दिलचस्पी। जिन्ना अस्पताल में अद्वियात की शदीद किल्लत, ऑपरेशन थिएटर के लिए सर्जिकल सामान तक दस्तयाब नहीं। सर्जिकल ग्लव्स, धागे, ड्रिप सेट्स, मुख्तलिफ इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी, मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत नापैद। मियां नवाज शरीफ की सेहत को लाख खतरात नजरअंदाज। शहबाज शरीफ की मुजम्मत, कहते हैं मियां नवाज शरीफ के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार हुकूमत के इंतकाम और छोटेपन का वाज़ह सबूत है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान और पंजाब हुकूमत मुजरिम होंगे। जबकि डॉक्टर अदनान का एक बार फिर पंजाब हुकूमत को खत, नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। लीगी रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस को तब्दील करने का फैसला। शहबाज शरीफ, हमजा और मरियम नवाज के मुकदमात की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज नईम अरशद की खिदमात हाईकोर्ट को वापस। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत करने वाले ड्रग कोर्ट के जज मसूद अरशद बागड़ी की खिदमात भी वापस। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट से तीनों खसूसी अदालतों के जजेस के लिए नाम मांग लिए। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात होंगे। महकमा दाखिला ने आईजी ऑफिस से फोर्सेज के दस्तों की डिमांड कर दी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी लगाने पर भी गौर। उधर वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह की जेर सदारत इजलास, मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, एमफिल और पीएसजी मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस जारी कर दिए। एमफिल मुलाजमीन को 5 जबकि पीएसजी मुलाजमीन को 10,000 रुपए अलाउंस दिया जाएगा। फैसले का इतलाक सरकारी और नीम सरकारी इदारों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मातहत इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन पर होगा। 2 साला बीए बीकॉम प्रोग्राम एसोसिएट डिग्री में तब्दील। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवां तालीमी साल एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सालाना बुनियादों पर होगा, जबकि आइंदा तालीमी साल से सेमेस्टर सिस्टम नाफिज होगा। एनसीए के एलुमिनाई के फन पारों की नुमाइश, नामवर मुसव्विरों और साजा के फन पारे रखे गए। तारीख, सकाफत, समाज और इंसानी जज्बात को कैनवस पर उतारा गया। तलबा तालिबात खुसूसी मधु किया गया। इंसान दोस्त मछली डॉल्फिन का शानदार शो, बेगम गवर्नर परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। शो देखने मुतादी स्कूल, एनजीओज और मुख्तलिफ इदारों के बच्चे भी पहुंचे। शरारती डॉल्फिन के नित नए करतब देखकर बच्चे खूब महसूस हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर शेख अजमत सईद की आज सालगिरह, साथ ही जजेस बुकला और अजीजो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नेक तमन्नाओं का इजहार। और कौमी हॉकी टीम के ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां जारी। तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। हेड कोच हाजा मोहम्मद जुनेद क्वालिफाइंग राउंड में टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुर उम्मीद कहा। पाकिस्तान हॉकी मुश्किल दौर से गुजर रही है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एनसीए के एलुमिनाई के फन पारों की नुमाइश, नामवर मुसव्विरों और साजा के फन पारे रखे गए। तारीख, सकाफत, समाज और इंसानी जज्बात को कैनवस पर उतारा गया। तलबा तालिबात खुसूसी मधु किया गया। इंसान दोस्त मछली डॉल्फिन का शानदार शो, बेगम गवर्नर परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। शो देखने मुतादी स्कूल, एनजीओज और मुख्तलिफ इदारों के बच्चे भी पहुंचे। शरारती डॉल्फिन के नित नए करतब देखकर बच्चे खूब महसूस हुए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर शेख अजमत सईद की आज सालगिरह, साथ ही जजेस बुकला और अजीजो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नेक तमन्नाओं का इजहार।
और कौमी हॉकी टीम की ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां जारी। तरबियती कैंप में शरीक खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल। हेड कोच हाजा मोहम्मद जुनेद क्वालिफाई राउंड में टीम की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद कहा। पाकिस्तान हॉकी मुश्किल दौर से गुजर रही है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे।